देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो कि आपका मतलब कि क्लास है ठीक है, उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होते हैं, उसमें 65, टोटल नंबर ऑफ टीचर 4, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो कि ईच स्टूडेंट गोट स्वीट्स दैट आर 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब हर एक स्टूडेंट को, वन स्टूडेंट को 20% का मतलब 1/5, 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब कि 1/5 ऑफ 65 कितना आएगा, 30। और वन एक टीचर कितना मिल रहा है, वन टीचर 40%, 40% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 65, ठीक है भाई। हाँ जी इधर देखिए ये कितना आ गया, 40 अपॉन 2 अपॉन 5 65 कितना आ गया 26। अब एक स्टूडेंट को मिल रहा कितना, 13। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने तेरे पास, क्वेश्चन पूछा टोटल स्वीट पूछ रहा हो ठीक है, तो 65 स्टूडेंट के अंदर कितना हो गया उसका 65 मल्टीप्लाई बाय 13, और वन टीचर कितना मिल रहा है 26, फोर टीचर कितना मिल गया 26 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। टोटल स्वीट कितने हुए, इनको ऐड कर ले मल्टीप्लाई करके, देखो 26 मल्टीप्लाई 4, 26 को मत कर 25 को कर, 25 4 जा 100 और 4 ऊपर चला जा, 4 एक्स्ट्रा बचे तेरे पास, तो कितना आएगा इधर से 104, और ये कितना आएगा 13 5 65, 845, ओवरऑल कितना हो गया 849, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, ई ऑप्शन ठीक है, नन ऑफ दीज। एक्चुअल कितना आंसर आएगा 949 आएगा, ठीक है। नहीं देखो उसने बताया आपको टोटल 250 क्वेश्चन जी, उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया 125 और 125 के पार्ट में, ठीक है। पहले 125 से 40% करेक्ट आया उसका, और ओवरऑल से कितना आया 60% करेक्ट, इससे पूछ रहा कितने परसेंट करेक्ट आएगा, मैंने क्या मान लिया x परसेंट उसका करेक्ट चल रहा है, ठीक है। तो इनको ऐड करके 60% ऑफ दिस आना चाहिए आपका, तो ये मतलब कि 125 मल्टीप्लाई 40% प्लस 125 मल्टीप्लाई x परसेंट, और ये 60% ऑफ 250, ठीक है। ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट, ये कॉमन आएगा इधर से, हाँ इधर जाएगा अपॉन में जाएगा, हाँ तो आपका क्या बच गया 40 प्लस x इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 250 अपॉन 125, ये 2 से कैंसिल आउट, ओवरऑल कितना है 20 है, और ये 40 जाके इधर सबट्रैक्ट होगा तो x की वैल्यू कितनी आ गया आपकी 80, ठीक है। तो इधर से मतलब वो 80% करेक्ट करेगा, तब उसका ओवरऑल परसेंटेज 60% आएगा, ठीक है। ऑप्शन में नोट डाउन करो, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक सॉल्यूशन ऑफ साल्ट एंड वाटर, ठीक है, कंटेंस 5% ऑफ साल्ट, इफ 20 लीटर ऑफ वाटर इज इवेपोरेटेड, देखो जब वाटर को इवेपोरेट कर रहा हो तो उसके अंदर साल्ट थोड़ी उड़ेगा, ठीक है, वाटर ओनली जाएगा ना, ठीक है, और कितना गया वो 20 लीटर उसने कर दिया, ठीक है, टेक ऑफ कर दिया, देन साल्ट बिकम्स 15%, जो फाइनल सोल्यूशन बचेगा उसके पास कितना बचेगा, उसके पास 15% बचेगा, ठीक है। तो क्या पूछ रहा, फाइंड द इनिशियल सोल्यूशन, जो इनिशियली कितना लीटर का सोल्यूशन था वो बताना आपने, जब 20 लीटर आपने उसको इवेपोरेट कर दिया। देखो इसके अंदर मैं क्या लगाऊंगा, एलिगेशन लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, एलिगेशन, इनिशियल सॉल्यूशन को फर्स्ट सॉल्यूशन मान लो, ठीक है, आपका फर्स्ट सॉल्यूशन भाई साहब, हां ठीक है, साल्ट कितने परसेंट चल रहा है 5%, जो आपका रिमेनिंग सॉल्यूशन बच गया उसको, वो रिमेनिंग नहीं, जो आपने इवेपोरेट किया उसको सेकंड सॉल्यूशन मान लो, ठीक है। तो आपका सेकंड सॉल्यूशन ये वाला था 20% वाला, इसके अंदर वाटर ओनली था, वाटर ओनली था, साल्ट कितना हो गया 0%, और जो फाइनल सॉल्यूशन हो तो फाइनल सॉल्यूशन मान लो, ठीक है, कितना हो गया 15%, फाइनल सॉल्यूशन में 15% साल्ट चल रहा है। अब एलिगेशन लगा दो, कितना हो गया 10, 15, ठीक है, रेशियो कितना आएगा 3:2, या अब उसने इवेपोरेट कितना किया था 20 लीटर, 20 क्या था ना, तो 2 को 20 कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई इनटू 10, तो ये भी आपका इनटू 10, तो इसका मतलब जो आपका इनिशियल सॉल्यूशन था ना वो भाई साहब 30 लीटर का, ठीक है।